कोरोना वायरस का खतरा भारत में भी आ गया है। हालांकि सरकार ने देशवासियों से अपील की है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि लोग एहतियात जरूर बरतें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपाय बताए हैं। इस वीडियो में हम आपको कोरोना से बचने के लिए बरती जाने वाली सावधानी बता रहे हैं। सबसे अहम ये कि दो लोग अगर आपस में 3 फीट की दूरी बनाए रखते हैं तो उनके बीच कोरोना का संक्रमण लगभग नहीं के बराबर होगा। भारत में आबादी के हिसाब से जिस तरह की भीड़ देखी जाती है उसे देखते हुए किसी शख्स का एक दूसरे शख्स से 3 फीट की दूरी बनाए रखना काफी कठिन है। फिर भी कोशिश जरूर की जा सकती है कि ज्यादातर समय 3 फीट के फॉर्मूले को फॉलो करते रहें। कोरोना से बचने के लिए इन सावधानियों को जरूर बरतें। WHO के एक्सपर्ट के मुताबिक कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए समय समय पर साबुन या जेल से हाथ धोते रहना चाहिए। दफ्तर में सैनिटाइजर का भी प्रयोग करते रहें। बाहर से घर लौटें तो तुरंत नहा लें, साफ कपड़े पहनें। दूसरे की छींक के प्रभाव में आने से खुद को बचाएं। खुद भी छींकने या खांसते समय अपने मुंह को ढक लें। थोड़ी भी तबीयत खराब लगे तो तत्काल डॉक्टर से मिलें। खांसी और बुखार आने पर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, तुरंत डॉक्टर से मिलें। खांसी सर्दी बुखार से पीड़ित शख्स के संपर्क में बिल्कुल ना आए। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और मल मूत्र त्याग करने से बचें। बहुत जरूरी ना हो तो इस वक्त ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। संभव हो तो जीव जंतुओं से दूरी बनाए रखें। अधपके मांस मछली बिल्कुल भी ना खाएं। मीट मछली या फिर चिकन मार्केट में जाने से बचें। कोरोना वायरस जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संक्रमण से फैलता है, इसलिए सावधानी ही बचाव है। अपना ख्याल रखें, खुद जागरूक रहने के साथ ही दूसरों को भी जागरूक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी खुद को कोरोना वायरस से बचा सकें।